Hello students, today we are covering the next topic of transport layer, that is crash recovery. So crash recovery, hosts and routers are subjects to crash, means at a time when we are dealing with host and routers, host may be crashing ho sakti hai, routers may be crashing ho sakti hai. But jab router mein crashing hogi, wo easy hogi handle karna. Why? Because router ke paas koi bhi transport layer entity nahi hai. ठीक है, वो क्या कर रहा है, सिर्फ एज ए इंटरमीडिएट नोड वर्क कर रहा है. तो राउटर क्रेश को हम इजीली हैंडल कर सकते हैं, यही लिखा है. राउटर क्रेश इज इजियर टू हैंडल सिंस ट्रांसपोर्ट एंटिटीज आर अलाइव एट द होस्ट. राउटर्स आर ओनली इंटरमीडिएट नोड्स विच फॉरवर्ड पैकेट्स, दे डू नॉट हैव ट्रांसपोर्ट लेयर एंटिटी. मीन्स राउटर क्रेशिंग के लिए हमको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, वो इजी टू हैंडल है. ठीक है, अब जब होस्ट में क्रेशिंग होती है तो होस्ट हम दो टाइप के मानेंगे. दो टाइप के होस्ट है, एक तो क्लाइंट, एक सर्वर. ठीक है, सेंडिंग होस्ट इज क्लाइंट, रिसीविंग होस्ट इज सर्वर. ठीक है, क्लियर. अब जब क्लाइंट ने, अब सिनेरियो समझना, एक क्लाइंट है वो डेटा सेंड कर रहा है, ठीक है, सर्वर को या रिसीविंग होस्ट को. डेटा क्या होगा, ट्रांसपोर्ट लेयर पे वर्क कर रहे हैं तो टीपीडीयू सेंड कर रहा है. ठीक है, और जब ट्रांसमिशन हो रहा था सर्वर क्रेश हो गया. फाइन, जब सर्वर क्रेश हुआ और वापस से कम्स अप, सर्वर क्रेशेस एंड कम्स अप, और उसने री इनिशिएट किया अपना वर्क. ठीक है, टेबल री इनिशिएट करी. अब इट सर्वर डज नॉट नो वेयर इट वॉज. अभी सर्वर को नहीं पता है कि उसने कहाँ काम कर रहा था और वो क्रेशिंग हो गई. राइट, तो अब क्या करेंगे, सर्वर सेंड्स अ ब्रॉडकास्ट टीपीडीयू, सर्वर सेंड्स अ ब्रॉडकास्ट टीपीडीयू टू ऑल होस्ट अनाउंसिंग दैट इट हैज जस्ट क्रेश्ड and requesting that its client inform it about status of all open connection. Server अपने crashing की बात बताएगा और क्या बोलेगा, अपना अपना status बताओ to all client. ठीक है, अब client का status क्या होगा, client दो status में हो सकता है, S0 and S1. अब S0 और S1 क्या है, S0 मतलब कि उसके पास, client के पास कोई भी outstanding TPDU नहीं है. outstanding मतलब जो send करना बाकी है. ठीक है, S1 के स्टेटस में है मतलब क्लाइंट के पास अभी एक 1 TPDU आउटस्टैंडिंग है. ठीक है, तो ये हुआ केस. अब क्या होगा, अब अगर क्लाइंट के पास TPDU मतलब वो S1 स्टेट में है, मतलब एक TPDU ट्रांसमिट करना बाकी है, तो क्लाइंट को क्या करना पड़ेगा, ट्रांसमिट करना पड़ेगा. बट अब इस केस में भी दो केसेस हो सकते हैं, दो हिडन केसेस हो सकते हैं. क्या, If server has first sent acknowledgement, server ने acknowledgement भेज दिया and before it can send TPDU to next layer, server ने acknowledgement तो भेज दिया client को, but ये TPDU को next layer तक transmit करता उसके पहले crashing हो गई, quite possible. इस case में क्या होगा, क्योंकि client के पास acknowledgement पहुंच गया है तो उसको लगेगा कि TPDU correctly पहुंच चुका है next layer तक, but TPDU तो पहुंचा ही नहीं, उसके पहले ही crashing हो गई. तो इस केस में क्या होगा, client को लगेगा कि data पहुंच चुका है इसलिए वो retransmit भी नहीं करेगा, और data क्या हो गया, lost हो गया, और claim किसके पास आया, server. second case क्या हुआ, डेटा पहुंच चुका बट एक्नोलेजमेंट नहीं पहुंचा. इस केस में क्या हुआ, फर्स्ट में एक्नोलेजमेंट चला गया बट टीपीडीयू नहीं पहुंचा. सेकंड केस क्या है, सर्वर फर्स्ट सेंड्स पैकेट टू नेक्स्ट लेयर देन इट क्रेशेस बिफोर सेंडिंग एक्नोलेजमेंट. डेटा पहुंच चुका है नेक्स्ट लेयर तक बट एक्नोलेजमेंट भेजता उसके पहले क्रेशिंग हो गई. ठीक है, अब इस केस में क्या होगा, क्लाइंट को लगेगा डेटा नहीं पहुंचा क्योंकि एक्नोलेजमेंट नहीं मिला, तो क्लाइंट क्या करेगा, उसको रिट्रांसमिट करेगा. तो इस केस में क्या हो जाएगा, उसके डुप्लीकेट. ठीक है, अब सर्वर कैन बी प्रोग्राम्ड इन टू वेज. ये दोनों जो हिडन वेज थे, ये सर्वर को प्रोग्राम करने के तरीके हैं. क्या, पहले एक्नोलेजमेंट फर्स्ट, और सेकंड केस क्या है, राइट फर्स्ट. टू वेज आर एक्नोलेजमेंट फर्स्ट, सेकंड वन इज राइट फर्स्ट. थ्री इवेंट्स कैन बी आर पॉसिबल एट सर्वर सेंडिंग, एक्नोलेजमेंट, सेंडिंग पैकेज टू नेक्स्ट लेयर एंड क्रेशिंग. थ्री इवेंट्स कैन अकर इन 6 डिफरेंट केसेस. ये 3 इवेंट्स है. ठीक है, और ये प्रोग्रामिंग के दो तरीके, इससे हमको 6 केसेस मिलेंगे. और क्लाइंट कैन बी प्रोग्राम्ड इन 4 वेज. क्लाइंट को प्रोग्रामिंग, ये सर्वर के लिए था. अब क्लाइंट के प्रोग्रामिंग के 4 तरीके. पहला क्या है, ऑलवेज रिट्रांसमिट लास्ट टीपीडीयू.
ऑलवेज रिट्रांसमिट लास्ट टीपीडीयू, मतलब डेटा लॉस हुआ है वो एस नॉट कंडीशन में, एस वन कंडीशन में, हर केसेस में हम ये कॉस्ट जरूर इंक्रीज होगी, बट क्या कर रहे हैं हमारा फीचर ये है कि जब भी क्रैशिंग होगी हम हमेशा रिट्रांसमिट करेंगे किसको, लास्ट टीपीडीयू को. पहली अप्रोच ये. सेकेंड अप्रोच क्या है, नेवर रिट्रांसमिट लास्ट टीपीडीयू. डेटा लॉस नहीं हुआ है या हुआ है हम कभी भी रिट्रांसमिट नहीं करेंगे. थर्ड अप्रोच है कि अगर आपका क्लाइंट एस नॉट कंडीशन में है, एस नॉट स्टेट में है तो रिट्रांसमिट करो. और फोर्थ है कि अगर आपका क्लाइंट एस वन स्टेट में है तो रिट्रांसमिट करो. ओके, तो ये चार तरीके हैं. इसी का आप डायग्राम देखेंगे फिगर में क्या बनाया हुआ है. स्ट्रेटजी यूज्ड बाय सेंडिंग होस्ट. सेंडिंग होस्ट मतलब क्या हुआ, क्लाइंट. ऑलवेज रिट्रांसमिट जो हमने अभी डिस्कस किया, नेवर रिट्रांसमिट, रिट्रांसमिट इन एस नॉट एंड रिट्रांसमिट इन एस वन, ये चार स्टेट्स हैं. और अब रिसीविंग होस्ट सर्वर क्या स्ट्रेटजी यूज करेगा, जो अभी हमने देखा दो स्ट्रेटजी है. पहले एक्नोलेजमेंट करे, फर्स्ट एक्नोलेजमेंट देन राइट, और सेकेंड स्ट्रेटजी है पहले राइट करेगा देन एक्नोलेजमेंट. तो अगर दो स्ट्रेटजी है उसके सिक्स केसेस थे, ये सिक्स केसेस अभी हमने यहाँ पे स्टडी किए, और उस केसेस से सिक्स केसेस से एट इवेंट्स बन रहे हैं. ठीक है, तो ओके मतलब प्रोटोकॉल फंक्शंस करेक्टली, डुप्लीकेट मतलब प्रोटोकॉल जनरेट्स डुप्लीकेट मैसेज, और लॉस मतलब प्रोटोकॉल लूजेज अ मैसेज. तो ये डिफरेंट कॉम्बिनेशन है क्लाइंट और सर्वर स्ट्रेटजी के. इसका क्या मतलब है कि अगर एक्नॉलेजमेंट हो गया है और उसके बाद ही राइट हो रहा है, एक्नॉलेजमेंट हो गया और उसके बाद राइट हो रहा है, तो अब क्लाइंट की स्ट्रेटजी क्या है, वो हमेशा रिट्रांसमिट करेगा. तो इस केस में क्या होगा, ओके मतलब प्रोटोकॉल ने करेक्टली फंक्शन किया. सेकेंड वाले में क्या है, पहले एक्नॉलेजमेंट हो गया, ठीक है, फिर राइट किया एंड देन क्रैश हो गया. एक्नॉलेजमेंट जा चुका है और फिर क्रैश हो चुका है. इस केस में क्या होगा, ये क्लाइंट क्या करेगा, रिट्रांसमिट. एक्नॉलेजमेंट हो गया, राइट भी हो गया और फिर क्रैशिंग हुआ है, बट ये जो क्लाइंट है वो रिट्रांसमिट करेगा, तो इससे क्या होगा, डेटा जाने के बाद वापस से रिट्रांसमिट हो रहा है तो डुप्लीकेशन होगा. ठीक है, अब यहाँ पे देखें हम सेकेंड रो में लॉस्ट. लॉस्ट कब हो रहा है, एक्नॉलेजमेंट हो गया है और फिर आप राइट कर रहे हैं. ठीक है, एक्नॉलेजमेंट हो रहा है, राइट क्रैशिंग हो गई और फिर राइट करना है, तो बीच में क्रैशिंग आ रही है, तो अब ये तो रिट्रांसमिट नहीं कर रहा, इस केस में क्या होगा, डेटा लॉस्ट हो जाएगा. इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को स्टडी करना है. ये है हमारा क्रैश रिकवरी का कंसेप्ट, किसका, ट्रांसपोर्ट लेयर में क्रैश रिकवरी कैसे चलता है. ठीक है, तो ये आज के लिए काफी है. नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में. ओके, थैंक यू.